तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे, तो मैंने ये बोला था। बाबा रामदेव ने 30 रुपए का मिलेगा पेट्रोल वाले बयान पर लिया यू टर्न, तो लोगों ने जमकर लिए मजे। पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव का एक पुराना ट्वीट इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर यूजर्स भी उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल रामदेव ने तकरीबन 9 साल पहले एक ट्वीट करके कहा था कि काला धन देश में वापस आ जाएगा तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर मिलने लगेगा, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद देश के लगभग सभी शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है तो डीजल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। इस बीच जब रामदेव से उनके पुराने ट्वीट को लेकर सवाल पूछा गया तो वो अपनी बातों पर यू टर्न मारते नजर आए। रामदेव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पत्रकारों के सवाल पर वो कहते हैं कि देखो जो काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने जो पूरे देश में आंदोलन चलाया तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे। जो काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स अर्निज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे, तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। कार्यक्रम थे तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। रामदेव ने अपने बयान में कहा कि अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है। अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो इसके लिए वो टैक्स नहीं हटा पा रहे हैं। कभी न कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। सरकार को सरकार भी चलानी है तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं हटा पा रहे हैं। गौरतलब है कि करीब 9 साल पहले बाबा रामदेव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि काला धन वापस आए तो पेट्रोल 30 रुपए में मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही बाबा रामदेव ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। पहले 30 रुपए लीटर पेट्रोल वाले ट्वीट को डिलीट करना और अब उस पर यू टर्न के बाद कांग्रेस नेताओं समेत कई यूजर्स ने भी बाबा रामदेव को एक बार फिर निशाने पर ले लिया है। मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि हो सकता है बाबा जी भी फूंकते हों, वरना इतनी उठपटांग बातें कोई कैसे कर सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लामा ने वीडियो पर चुटकी लेते हुए लिखा, ठगों में महाठग बाबा रामदेव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के वीडियो पर हमला बोलते हुए लिखा कि मैंने जब इसे आज से 9 साल पहले ठग कहा था तो क्या गलत कहा था। एक ट्विटर यूजर ने बाबा रामदेव को भी ठगे जाने की बात कही और लिखा कि काला धन तो आया ही नहीं तो फिर पेट्रोल 30 रुपयों में कैसे मिलेगा। हमारी तरह ही बाबा रामदेव भी भाजपा के द्वारा ठगे जा चुके हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी बाबा रामदेव का वीडियो शेयर किया और लिखा कि अब तो लाला जी के मुंह में दही जम चुका है। आप क्या सोचते हैं बाबा रामदेव के इस अचानक यू टर्न वाले बयान को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हर आने वाली अपडेट आप तक जरूर पहुंचे।